स्टार्ट। प्रणाम तो करे चचा। अरे का हो हरियर? हाँ ठीक है, का है? बड़ा उदास लग रहे हैं, कोनो चिंता में है का? बैठो बैठो। अरे का कहें बाबू, जानते हो चारों तरफ इतना गंदगी फैला है, कोई भी वार्ड में जाइए और कूड़ा पॉइंट पर से पार करिएगा ना, तो बिना नाक पर रुमाल रखे हुए आप पार नहीं कर सकते, तो है। बहुत दुर्गंध है। और शिकायत करने गए एक दिन तो कहता का है कि जितना डीजल दीजिएगा उतने ना सफाई होगा। हम तो अबाक रह गए कि अरे भाई डीजल से सफाई का क्या मतलब? उसका कहने का मतलब ये था कि डीजलवा कम मिलता है इसलिए गाड़ियाँ कम चलती है। भाई सुनिए, अच्छा तो ठीक है, कोनो दिक्कत ना है, टाइम आना गया है, एगो बढ़िया मजबूत ईमानदार कड़ियल का नाम है कि मेयर चुन करके सारा मामले फरिया दिया जाएगा, अब टाइम आ गया है। ए बाबू एगो बात कहें, हाँ हमको तो बात चिंता सता रहा है, का करें का ना करें, किससे बतियावे किससे बोले। सुने कि माला सिन्हा जो वार्ड नंबर कितना की है? 44 की ना। वार्ड नंबर 44 वाली जो माला सिन्हा है, हाँ, वार्ड पर, हाँ, हाँ, उनका नाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। आप तो हमारे मुंह के बात छीन ले। अरे मुंह के बात नहीं भाई, ये सौंसे एरिया का बात है, पटना शहर में पूरा एकदम मचा हुआ है ना धूमधाम। हम जहाँ जा रहे हैं लोग उन्हीं का चर्चा कर रहा है, मेयर में जो है कि नहीं माला सिन्हा, वो पार्षद भी ना है। हाँ तो वो अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। काम तो चचा देखिए, पीछे की बात है, ग्रीन मतलब ग्रीनरी का काम हो, चाहे साफ सफाई का, अपने वार्ड में साफ सफाई का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन का काम हो, मतलब सरकार का जितना भी योजना सब है ना, सब में अपन सफलता मिली। हाँ अच्छा देखिए, ईमानदारी का एक तो अलग पावर होता है। हाँ है कि नहीं? एकदम कर्मठ हो, ईमानदार हो और सच्चा प्राणी हो तो उसको जरूर मदद करना चाहिए। एकदम सबसी बात ये है, समझ लिए बाबू हरिहर? बेटा देखो, आदमी को एने जात पात का बात सोच के नहीं भटकना चाहिए। एकदम ना, जब ईमानदारी के साथ दीजिएगा तो काम जरूर सफल होगा। एकदम माला सिन्हा जितना बढ़िया काम की है तो हम तो एकदम फैसला कर लिया कि अपना एरिया का जितना आदमी है, चाहे सब्जी वाला हो, ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, टेम्पू वाला हो, मकान मालिक हो, चाहे किरदार हो, जो भी यहाँ का वोटर है, उन सब से निवेदन करेंगे कि ये भाई देखिए, सच्चाई चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने वार्ड का विकास हो और साफ सफाई रहे, तो माला सिन्हा पर जम करके आप लोग विश्वास करके उनको वोट दीजिए और पटना का मेयर चुनिए। बोलो हरिहर, तुम्हारा का ही है? एकदम चचा सही कह रहे हैं आप, तो हमारे सारा बतिए मुंह का छीन लिए। हम तो गुजर रहे तो सोचे तो आपका हाल चाल ले ले और थोड़ा चर्चा कर ले, चुनाव तो अब आ ही गया है। अब मौसम बदल रहा है तो खांसी उसी में हो गया था, घर से नहीं निकल रहे। अच्छा तो देसी दवाई में आप तो खुद ही सब में एक्सपर्ट हैं, आपको क्या बताना है? आयुर्वेदिक का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात समझे कि नहीं? का न समझे? समझ गए। देखो बात है कि चोरी या बेईमानी करने वाला सब जो है ना एकदम हड़का हुआ है, ये बात सोच रहा है कि बाप रे बाप, कहीं इतना कड़ियल माला सिन्हा आ गई तो हो जाएगा बाप रे बाप। लेकिन एक बात है, हाँ, कि जो सच्चाई के रास्ता पर चलेगा उसको तो इनाम मिलेगा और हम लोग देंगे इनाम। सही बात, एकदम हम लोग इनाम देंगे। एकदम डर के मारे वो सब कह रहा है कि भाई जीतेगी तो वही जीतेगी। हम लोग तो पक्का है ये है, अब जहाँ जाएंगे जैसे जैसे जा करके ना, हम लोग जाके अपना ये करेंगे कि चलो भाई, जब एक बढ़िया उम्मीदवार निवेदन करना, निवेदन कर हाथ जोड़ करते हैं कि भाई देखिए, भाई बहन लोग आप लोग विश्वास कीजिए, माला सिन्हा को जिताइएगा तो अपने शहर का नाम होगा, इज्जत बढ़ेगी, देश विदेश तक नाम फैलेगा। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? एकदम। अच्छा तब हुआ, कहाँ निकले थे? तब जा रहे थे सब्जी वब्जी लाने, तो देखे ना अपने आपसे मिल ले, जरा सा ढेर दिन हो गया। बहुत अच्छा, यही बात है, सब हो गया। तो ठीक है चाचा, चलते हैं, आशीर्वाद बना रखिएगा। एकदम खुश रहो। अच्छा चाचा एकदम हम लोग उसी बात पे एकदम टिके रहना है, एकदम फोटो तो मजे सिन्हा को देंगे चाहे कुछ हो। ठीक ठीक है, प्रणाम चाचा, खुश रहो, खुश रहो।